करते हैं। स्विगी इस साल करीब 120 करोड़ डॉलर का आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी के आईपीओ को शेयर होल्डर से मंजूरी भी मिल चुकी है। पूरी रिसर्च लेकर शरद दुबे जुड़ चुके हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, स्विगी फोकस में रहने वाला है और यहाँ पे जो है शेयर होल्डर्स की अप्रूवल उनकी आ चुकी है, जहाँ पे एक पोटेंशियल 1.2 बिलियन डॉलर्स का आईपीओ देखने मिल सकता है। यहाँ पे जो इंटेंशन है वो फ्रेश कैपिटल रेस 3750 करोड़ का है और उसके अलावा जो ऑफर फॉर सेल है वो लगभग 6600 से 6700 करोड़ तक देखने मिल सकता है। इसमें 750 करोड़ का एक प्री आईपीओ राउंड भी होगा, जहाँ पे एंकर इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे और अगर जो दिग्गज शेयर होल्डर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है कंपनी में, उनका नाम इंक्लूड करता है प्रोसेस, सॉफ्ट बैंक, एलिवेशन कैपिटल, टेंसेंट, जीआईसी और कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। अब जो है कंपनी ऑफकोर्स फोकस में इसलिए भी था क्योंकि वैल्यूएशन की मार्कअप देखने मिल रही थी। जो उनके खुद के इन्वेस्टर्स हैं वो बार बार वैल्यूएशन अपग्रेड कर रहे थे और आप कह सकते हैं इन्वेस्को में तीसरी बार वैल्यूएशन अपग्रेड हुई और अब जो है करंट वैल्यूएशन उनके तरफ से 12.7 बिलियन डॉलर्स का है। जब इनिशियल फंड रेज हुआ था स्विगी का वैल्यूएशन 10.7 बिलियन डॉलर्स था और अब करंटली 12.7 बिलियन डॉलर्स है। ऑफकोर्स ये वैल्यूएशन की अपमूव का कारण दो है, एक तो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी है उसका भी फोकस है और दूसरा इन्होंने अपनी प्लेटफॉर्म फी, डिलीवरी चार्जेस, इसको भी हाइक करने लगे पिछले 6 महीने से, तो उसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव करा और हमने जोमैटो में लिस्टेड स्पेस में भी देखा। अगर हम अब जोमैटो की बात करें तो हम स्विगी के साथ उसको तुलना करने वाले हैं। मार्केट वैल्यूएशन एक्सपेक्टेड है आईपीओ में स्विगी का ऑलमोस्ट 13 बिलियन डॉलर्स तक जा सकता है। दूसरा एंगल पे अगर जोमैटो की बात करें तो अपने लाइफ टाइम हाइज में लगभग 23 बिलियन डॉलर्स की जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन वो टच किए थे, अब वो करेक्ट होकर 20 बिलियन डॉलर आ गई है, तो अभी भी थोड़ा अंडर वैल्यूड तो लग रहा है अगर वैल्यूएशन की अगर हम बात करें। अगर मार्केट शेयर की बात करते तो फूड डिलीवरी सेगमेंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है जब हम दोनों को कंपेयर करें। यहाँ पे देखें तो जोमैटो का लगभग 54% मार्केट शेयर है और स्विगी का जो है 46% का, तो आप कह सकते हैं फूड डिलीवरी मार्केट में तो एक डुओपोली है और इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या रीरेटिंग देखने मिल सकता है क्योंकि जोमैटो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को 3 गुना रिटर्न पिछले 1 साल में दे चुके हैं और अब स्विगी में भी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, तो यहाँ पे भी जो है एक्सपेक्टेड है कि अच्छी लिस्टिंग आ सकती है। ठीक है, तो स्विगी के आईपीओ की तैयारी और शेयर होल्डर्स को भी मंजूरी मिल चुकी है।